तो आगे के इतिहास के बारे में ये आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये वही जगह है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको महाराणा प्रताप म्यूजियम और चेतक समाधि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया, और अभी मैं जाने वाली हूँ हल्दीकाठी धरा और रक्त तलाई को एक्सप्लोर करने। तो चलिए चलते हैं और वहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। लेट्स गो। आगे के इतिहास के बारे में ये आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे भीलों ने ऊपर से गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करा था मुगल सेना पर और उन्हें मात दी थी, जो यही पद्धति से दोनों ओर से युद्ध करा था। 18 जून 1576 की सुबह हल्दीघाटी और खामियों के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दीघाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दीघाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना नगरों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासू कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पुंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के लगा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के कांपों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी।
बाद मैं आ पहुंची हूँ रक्त तलाई। बस तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ और यहाँ के इतिहास के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हल्दीघाटी पे जो युद्ध शुरू हुआ था वो यहाँ पे आके समाप्त हुआ था इसी जगह पे, और ऐसा माना जाता है इस यहाँ पे कि जो सैनिक लोग थे वो मरे थे तो उनकी उनका जो भी रक्त था वो बारिश के पानी के साथ इस तलाई में गया और इस तलाई को उसी क्षण से रक्त तलाई का नाम दिया गया। म्यूजियम रक्त तलाई मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, आपने इतिहास के बारे में जाना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।